गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास फोर्थ, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। क्लास फोर्थ, आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, किरमिच की गेंद। इस चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके तब आपको पढ़ाएंगे। आज हम इसको शुरू करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट। पहले सबसे पहले रीड करेंगे। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आया, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा। भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे का जो आपका बचा हुआ लेसन का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।